बॉम्बे के स्टूडेंट, आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और वो एक्सरसाइज है जिसके लिए हमने लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंप्लीटिंग मेथड की मदद से, और उसका जो फार्मूला मैंने ट्राई किया था वो ये था x इक्वल माइनस टी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके लिए हम जो है ना फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है उसका हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे माइनस एक्स को इससे हम अरेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स के प्लस सेवन एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस टू जीरो, और इसके जो एक्स स्क्वेयर है मैंने बताया हुआ है एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस का साइन ना हो, आपने लगाने सबके साइन चेंज कर। अच्छा, अब अगर इसे देखें ए टी और सी, इसमें एक्स स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट होगा वो हमारा होगा ए, यानी कि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है वन, वो स्टैंड होगा ए के लिए। इसी तरह एक्स वन वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है विद साइन, साइन का ख्याल रखना वो आपने लेना है वो प्लस सेवन है वो बी होगा, जबकि कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ एक्स नहीं है वो हमारी वैल्यू स्टैंड करेगी सी के लिए विद साइन माइनस टू। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो ए, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है विद साइन में बोल रहा हूँ साइन इसके साथ देख रहे हैं प्लस को आप लिखे जाने के आपकी मर्जी है। फिर तो उसके बाद थर्ड जो वैल्यू है जो कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल एक्स मौजूद नहीं है वो सी है माइनस टू। अब हम यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूले एक्स इक्वल माइनस टी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर माइनस बी की वैल्यू क्या है सेवन प्लस माइनस अंडर बी की वैल्यू क्या है सेवन, ए की वैल्यू क्या है वन, और जबकि सी की वैल्यू क्या है माइनस टू, टू ए की वैल्यू हमारी क्या है वन। लेकिन ये एक्सरसाइज इस वजह से आसान भी है और पूरी एक्सरसाइज किसी फॉर्मूले से है, आप हमने तो फार्मूला लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला में है ये, हमने जस्ट ये जो हमारी इक्वेशन है इसे अरेंज करना है, ए बी सी की वैल्यू लेनी है और इस फार्मूले के अंदर हमें पुट करनी है एक्स इक्वल माइनस सेवन प्लस माइनस सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन प्लस एवर टू, इसी तरह एक्स इक्वल माइनस सेवन प्लस माइनस अंडर फिफ्टी सेवन ओवर टू। तो स्टूडेंट देखें अगर फिफ्टी सेवन का हम एलसीएम ले रहे हैं तो पेयर नहीं बनते, स्क्वेयर रूट ले रहे तब भी इसका पेयर नहीं बनता। तो अगर आप इसका ले रहे हैं एलसीएम थ्री वन का थ्री तो टू कैरेक्टर के ट्वेंटी सेवन थ्री नाइन का ट्वेंटी सेवन पेयर नहीं बन रहे, लिहाजा ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो है माइनस सेवन प्लस माइनस अंडर फिफ्टी सेवन ओवर टू। अगर इसका स्क्वायर रूट होता तो फिर आगे वाले को क्वेश्चन कर लेते, एक बार प्लस में होता एक बार माइनस, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ एक और क्वेश्चन से। अब मैं आपको करके देता हूँ थर्ड वाला पार्ट, इस पर लिखने वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बड़ा अहम पार्ट है। स्टूडेंट हम करते हैं अब इसका थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट जो है ये हाई इंपॉर्टेंट है अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल फोर अंडर रूट थ्री। पहले तो आप इसे जीरो के इक्वल लाएंगे, इक्वेशन को आप अरेंज करें अंडर रूट
थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस ट्रांसफर क्या होगा माइनस इक्वल जीरो। ये देखिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, यानी कि एक्स टू पावर, एक्स वन पावर और फिर क्या आ गए कॉन्स्टेंट। उसी तरह जैसे मैंने बताया एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होगा वो होगा ए विद साइन, और x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा वन, और फिर जो x कांस्टेंट टर्म है उसके हम क्या कहेंगे करके माइनस फोर अंडर रूट हम यूजिंग फॉर्मूला करेंगे। इस फॉर्मूले के तहत जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। हाँ जी, बी की वैल्यू क्या है वन प्लस माइनस, बी की वैल्यू क्या है वन प्लस स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट थ्री और सी की वैल्यू क्या है माइनस फोर अंडर रूट ओवर टू, ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट थ्री। लेकिन तो ये हमारा आ गया माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस वन माइनस, ये बड़ा अहम पॉइंट है। यहाँ पे अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं माइनस माइनस प्लस, फोर फोर था सिक्सटीन, और आपको पता है जब दो स्केयर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो तो हम सिंगल स्केयर रूट में लिखते हैं पावर टू अंडर रूट थ्री, तो एक्स इक्वल माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस सिक्सटीन, ये थ्री का क्या आ जाएगा स्क्वायर पावर टू अंडर रूट थ्री। ठीक है, उसके बाद हम आगे चले क्योंकि तो बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसे आप पहले सिंगल में लिखे, फिर आपको पता है बेस सेवन पावर जेड थ्री पावर टू हो जाएगा। अब आगे आएगा एक्स इक्वल माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस सिक्सटीन, ये देखिए जी स्केयर स्केयर से कट के क्या आएगा थ्री और टू अंडर रूट थ्री वन प्लस सिक्सटीन थ्री या फोर्टी एट टू अंडर रूट थ्री माइनस वन प्लस माइनस फोर्टी नाइन टू अंडर रूट थ्री माइनस वन प्लस माइनस फोर्टी नाइन का स्केयर रूट ले तो सेवन का स्केयर होता है टू अंडर रूट थ्री माइनस वन प्लस माइनस स्केयर स्केयर सेवन आ गया टू अंडर रूट थ्री। अब जो है एक्स इक्वल इसे हम एक दफा करेंगे प्लस और ऐसे लाइन लगाए एक दफा इसके ऊपर क्या करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा सिक्स ओवर टू अंडर रूट थ्री टू माइनस सिक्स एक्स आ गया थ्री ओवर अंडर रूट थ्री। इसी तरह इधर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का और हम ये आ गया एट ओवर टू अंडर रूट थ्री टू फोर द एट एक्स आ गया माइनस फोर ओवर अंडर रूट। तो स्टूडेंट अगर इससे हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते ये हमारा आंसर ठीक है गलत नहीं है, अगर हम बुक के पीछे वाले आंसर को मैच करना चाहें तो ये देखें ये जो थ्री है अगर इसकी मैं थोड़ा वजाहत दे दूं यहाँ पे, ये थ्री किसके इक्वल है देखें ये इक्वल है अंडर रूट थ्री इन टू अंडर रूट थ्री, कैसे हम इस बात को साबित कर लेते हैं टू स्क्वायर रूट आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, हम इसे आपको पता है अगर दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो उसे हम सिंगल स्क्वायर रूट लिख देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखें ये बेस सेम है तो पावर जेड हो जाएंगे एक बेस लिखेंगे वन और वन टू पावर होगी तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से करके थ्री किसके इक्वल आ गया थ्री, यानी कि मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि ये थ्री किसके इक्वल है अंडर रूट थ्री इन टू अंडर रूट थ्री। तो लिहाजा यहाँ पर जो हमारा ये आंसर जो आया है एक्स इक्वल थ्री और अंडर रूट थ्री, तो इस थ्री को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट थ्री इनटू अंडर रूट थ्री क्योंकि मैथमेटिकली आपको साबित कर दी है इक्वल है ओवर अंडर रूट थ्री।
तो ये से कट गया तो एक्स आ गया अंडर रूट थ्री, तो आपका सॉल्यूशन सेट बनाना वो आके ये अंडर रूट थ्री, और ये जो दूसरा आंसर है माइनस फोर ओवर अंडर रूट थ्री। तो ये स्टूडेंट को पूरी एक्सरसाइज एक फॉर्मूला से होनी है। मैंने भी आपको फर्स्ट पार्ट करके दिया, थर्ड पार्ट किया है, आप इसे जो है ना सिक्स पार्ट जो है इसके सॉल्व करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसका फोर पार्ट है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली इसकी आपको समझ आई होगी। थैंक यू।